कटनी के जिला अस्पताल में दो दिन के बच्चे की मौत पर परिजन ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कटनी में दो दिन के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजन ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में डिलीवरी डॉक्टरों से नहीं बल्कि नर्सों से करवाई जाती है। परिजनों ने नर्सों पर आरोप लगाते हुए बताया कि बच्चे की मौत के बाद उन्हें जिला अस्पताल से भगाने की कोशिश भी की गई थी। वहीं मामले में सिविल सर्जन का कहना है कि परिजनों को ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन उन्हीं ने नॉर्मल डिलीवरी कराई जिससे बच्चे की हालत गंभीर थी और उसकी मौत हो गई। क्यों ड्यूटी चेंज किया गया? अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में सुबह 9 बजे जब इनकी ड्यूटी नहीं रहती, आज सुबह कैसे आ गई वो 8 बजे ड्यूटी में? आप बताइए हमें। आपको इलाज करवाना चाहिए था ना यहाँ। मैडम नहीं कर रहे इलाज, 4 घंटे से हम 7 बजे से आए, 6:30 बजे से जब बता दिया बच्चा तो तब जब से मैडम उनको बोले आप ले जाओ, आप जो हंगामा किया तो अब हम लोग दवाई नहीं करेंगे, अब हम क्यों वेट करेंगे? आप बताइए, हम एक दोबारा वेट करेंगे किसी खत्म होने का? आप बताइए, जब हम 2 महीने 2 दिन के बच्चे को नहीं बचा पाए लोग तो 30 साल की बेटी को क्या बचाएंगे? 30 तारीख को 2 बजे एडमिट किया गया। अच्छा प्रॉब्लम क्या आई थी? कुछ प्रॉब्लम थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, 9 महीने सब सही था, यहीं पे चेक करा, प्राइवेट भी कराया, हर एक चीज सही था। अभी मैंने बात की, मैडम बोली सब सही था। ऑपरेशन के लिए नहीं बोला, जब पापा ने बोला कि अगर प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन कराइए, तो पापा ने बोला कि बात कर लीजिए, कौन सी मैडम है, तो बोली बात नहीं करेंगी आप, ऑपरेशन नर्स ऑपरेशन करेंगी, डॉक्टर आए ना हमसे कंसर्न करें, हमसे पूछे 4 दिन में क्यों नहीं आए डॉक्टर? मेरा अर्जुना मिश्रा एडमिट हुई, नर्स डॉक्टर एक भी दिन नहीं आई, नर्सों ने बताया कि नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4 तारीख की रात को, ये मैं हमारा बालक है सर, 4 तारीख की रात को 1:30-2 बजे उनका बच्चादानी का मुंह खोला, वो तड़प रही थी उससे पहले, फिर उनका बच्चादानी का मुंह भी खुल गया, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली, वो बता रहे कि पेट में लैट्रिन कर ली है, इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन सर 2 से 2 बजे से सर 5:30 बजे ने फिर उसका क्या बोलते चीरा लगा के किया, लेकिन तुरंत में करते तो उसको इन्फेक्शन नहीं होता। सर उसके हाथ पैर जोड़ रहे थे हम लोग सर, सिस्टरों के डॉक्टर तो था ही नहीं सर, 3 दिन से सर डॉक्टर नहीं था सर, ये नर्सों के भरोसे इन लोग पूरा अस्पताल छोड़ देते हैं, नर्सें ही चलाती हैं, कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए डॉक्टर को फोन नहीं लगा सकते ना, डॉक्टर को आपको नंबर देंगे ये लोग, डॉक्टर का आपको ये नंबर भी नहीं देंगे। आप हाथ पैर जोड़ रहे सर इनके, लेकिन सर इन लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे सर, हमारा बच्चा खत्म हो गया सर। शिकायत आपने की अभी कहीं? सर अभी हमने सीएम हेल्पलाइन में फोन किया था सुबह, बच्चा खत्म हुआ है, माँ भी सीरियस है सर, और माँ को भी अभी भर्ती जब हम लोग ये कर रहे थे तो माँ को भी भर्ती करने से मना कर दिया था, जब ज्यादा वो होने लगा तब फिर बोला कि एडमिट कर लो। तो आपकी क्या छुट्टी कर दी गई है? हाँ नहीं बना रहे सर, सर 2 घंटे उसका प्रोसेस है, अभी नहीं मिल पाएगा। पेशेंट को लेके चले? हाँ सर हम लेके गए सर, हमको डर लग रहा है सर, यहाँ पे हमको भगा दिया गया है, इलाज ही नहीं कर रहे उसका, नहीं कर रहे सर, बोल रहे हैं कि अब आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग शिकायत कर रहे हो तो अब हम लोग और नहीं करेंगे। हाँ किसने बोला? ये सर वहाँ पे जो मैडम बैठी है वहाँ पे बोलती है गेट आउट गेट आउट, वो अब सर सुनीता वर्मा का चार्ज था नाइट ड्यूटी जिस दिन रात, किसने गेट आउट सर उनका नाम नहीं पता सर, नाम नहीं, मेरा नाम आदित्य गौतम है सर। मैं कैसा क्या मामला था? एक महिला पूजा देवी है जो उनका वो दिनांक 28 को शाम को 6:20 पे भर्ती हुई थी और रात में 2 घंटे बाद ही वो चली गई और फिर सीधे वो 1 तारीख को लौट कर आई दोपहर में 2:45 बजे। 2 तारीख को चूँकि उनको कोई गर्भ में यानी प्रक्रिया नहीं थी तो वेट किया गया और 3 तारीख को जब कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो लेडी डॉक्टर द्वारा उन्हें सुबह 11 बजे, 3 तारीख को 2 बजे दोपहर को, 4 तारीख को सुबह 3 बजे और सुबह 5 बजे 4 बार है ना हमारे स्टाफ द्वारा लेडी डॉक्टर द्वारा उनको ऑपरेशन कराने बोला गया, लेकिन उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और लिख के देने से भी इनकार कर दिया। तो हमारी नर्स ने उसमें हर बार नोट्स डाले हैं और
पाँच बजे सुबह 4 तारीख को उन्होंने लिखा है हम सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं, ऑपरेशन नहीं। लेकिन परिजन का ये एक मिनट में आप मेरे को पूरी बात कर लेने दें। अल्टीमेटली 5:45 पर उसकी 4 तारीख को डिलीवरी हुई। मदर उसके बाद ठीक रही बच्चे को, लेकिन चूँकि उसको झटके भी आए थे और सांस की भी जो गति थी वो बहुत अनियमित थी, तो उसको SNCU जो बच्चों की ICU है उसमें भेजा गया। दोनों दिन उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन पर इंट्यूबेट करके रखा गया। उसको बार बार हर दिन सलाह दी गई कि उसको जबलपुर ले जाकर और मेडिकल कॉलेज में उन्नत उपचार कराया जाए, लेकिन उनके परिजनों ने उसको भी लिखित में मना किया है। हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है और अंततः आज सुबह 6:45 उसकी दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि मैडम ड्यूटी पे नहीं रहती हैं और नर्सों द्वारा डिलीवरी कराई जाती है। जी नहीं, ये आरोप गलत है क्योंकि लेडी डॉक्टर प्रतिदिन सुबह राउंड ली है, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, और रोज 3 से 4 मिनिमम सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं, 10 से 12 डिलीवरी हुई हैं। और सिजेरियन ऑपरेशन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लेडी डॉक्टर द्वारा ही किए जाते हैं। ये सब मामले को देखते हुए परिजनों ने पेशेंट को यहाँ से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया डर के कारण। ये सर उनका आउटलुक है, हमने तो उनको बोला था कि आप ना ले जाएं, लेकिन यदि कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।